सभी दोस्तों को मेरा राम राम और जो हिंद और वंदे मातरम। आजकल जो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए मैं आपको सुबह से 7 बजे से मैं इस भाई की हेल्प करने के लिए लग रहा हूँ। अभी 9 बज गए हैं, यानी 2 घंटे के आसपास इनकी मेहनत की मैंने, बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रयत्न किया यार, कहीं इस भाई का नंबर आ जाए। रोहित शाह इसका कुछ नाम है, ये जो सिक्का साइड का बंदा है। इसका हुआ क्या एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, और इसके माध्यम से जो बहुत से बंदे जो आने वाले सेना भर्तियों में बहुत सी है जो ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा और अच्छे से जो वो सेना भर्ती को शामिल कर सकेंगे, शामिल भी होंगे, उनका सपना भी पूरा होगा। लेकिन एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी पड़ सकती है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बहुत से बंदे जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका एक सपना अधूरा रह जाएगा यदि आपने ये गलती की। तो आपको बताऊंगा भाई जो इस बंदे ने की है वो आपको बताऊंगा। देखो, बंदे ने जो जिंदगी जान लगा के मेहनत की होगी, बहुत अच्छे से जो टाइमिंग भी आ रहा होगा, ठीक है, इस बंदे की गलती है कुछ नहीं एक्चुअल में, इस बंदे की गलती कोई नहीं है, गलती और किसी और की है भाई। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देख, मोबाइल हो, फ़ोन हो, अपना पर्सनल डिटेल किसी और के साथ मत साझा करो, और भाई के साथ साझा मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। और जो भी अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी दूसरे के हाथ में लग जाती है, तब जो यही एक्शन होता है जो इस भाई के साथ हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसके जो फॉर्म भरे थे अपने 27 जून के आसपास, अपना लास्ट डेट थी, इससे पहले इन्होंने फॉर्म भर दिया था, NMA इन्होंने फॉर्म भरा था। इससे जो भाई ने फॉर्म भरने के बाद अपनी इसने पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें जो सिक्कर वाली जो भर्ती आई थी, जो टॉक वाली जयपुर में हुई थी, उस भर्ती को इसने अटेंड भी किया था। पर इस जो ईमेल आईडी से और इसे जो लॉगिन आईडी करने के बाद पासवर्ड डालते हैं, सब चीज़ डालने के बाद भी जो इनकी आईडी नहीं मिल पा रही है। मैंने इसके लिए जो सुबह से कह रहा हूँ कि मैं आपको लगभग 3 घंटे के आसपास हो गए, मैं जो लगातार कंप्यूटर पर जो टाइप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कहीं मिल जाए। लेकिन जो मैंने फिर लास्ट में जाके एक चीज़ और भी की, मैंने जो गूगल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, गूगल ने यही बोला मुझे कि जो इनका अकाउंट पूरी तरह से डिसेबल हो गया, पूरा परमानेंटली क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, यानी जो इतिहास होता है ना, इतिहास ही रट दिया है, बिल्कुल मिटा दिया, एक एक छोटी सी तक के जो इसकी चिन्नी नहीं बची है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके जो या तो इनका फ़ोन हाथ लगा है, या इसके जीमेल आईडी किसी जो और फ़ोन में खोली गई है और उसके बाद में डिलीट की गई है, या हो सकता है जो ईमित्र वाले ने कुछ लॉगआउट किया हो या उसको डिलीट कर दिया हो। अब गलती किसी की है, भुगतना तो आपको ही है। जो बंदे स्पेशली ध्यान दे रहे हैं, जो भर्ती देखना चाहते हैं, उनको ये पता नहीं है कि जो मेरा ऐसा भी घटना हो सकती है, मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। इसको ये पता नहीं था, बाकी ये तैयारी भी कर रहा था, हर चीज़ कर रहा था, लेकिन ऐसी कंडीशन पे यार वो क्या करेगा। इसका एडमिट कार्ड भी नहीं आया अभी, जब लॉगिन ही नहीं हो रहा, इसकी जीमेल आईडी नहीं है, तो फिर ये लॉगिन क्या करेगा और कैसे निकालेगा इसका एडमिट कार्ड। मैंने वही जीमेल आईडी लॉगिन करने की कोशिश की, बहुत जो कोशिश है की, लेकिन जो इसमें सब में नाकामी रहा मैं। यार जब इसकी ईमेल आईडी है जो पूरी तरह से परमानेंट, पूरी तरह से क्लोज कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है, इतिहास ही नहीं रहा है, तभी जो क्या करेंगे इसका। फिर से मैंने रिकवर करने के लिए गूगल से भी कॉन्टेक्ट किया, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट देख लेना इसमें मैंने आपको बताया है। इसे मैंने बहुत सी जो कोशिशें की, इसके जो सभी मोबाइल नंबर्स को कॉन्टेक्ट किया मैंने, जो शायद हो सकता है उन नंबर को कॉन्टेक्ट किया, पर जो नंबर कॉन्टेक्ट थे सभी से मैंने जो लगभग ट्राई किया, मतलब नहीं रहा कुछ। इसीलिए मैं आप सभी दोस्तों को यही सजेस्ट करूँगा और यही कहूँगा भाई, अपनी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है किसी दोस्त के साथ शेयर मत करो, कोई भी XYZ कोई भी हो, उसी दोस्त का शेयर मत करो, क्योंकि जो हो सकता है यार अपनी जो पर्सनल डिटेल है या तो वो लीक हो जाए या जो अपना फ्यूचर वो ख़राब हो जाए। अब इस भाई की जो मेहनत है वो सब बेकार है, वेस्ट है, जीरो है, जब इसका एडमिट कार्ड ही नहीं आया है और एडमिट कार्ड ही सबमिट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा इसका। इसीलिए जो आप सभी को यही बोलूँगा यार, ऐसी छोटी चीज़ गलती मत करो। और अब इसके बाद में दूसरे दोस्त और भी हैं जो ऐसे गलतियाँ कर रहे हैं और किए हैं, बहुत से बंदों के जो एडमिट कार्ड हैं उनमें जो कुछ फैमिली का नाम, फैमिली मेम्बर अलग अलग हैं, जो माता पिता हैं जिनके नाम में मिस्टेक है या उनके नाम में मिस्टेक है या जो इन्होंने स्पेस नहीं दिया, ऐसी हज़ारों गलतियाँ कर रहे हैं बंदे। तो सभी दोस्तों को मैं यही बोलूँगा यार, आप जब भी फॉर्म भर रहे हो तो एक बार चेकआउट कर दो, यदि आपके कोई मिस्टेक है, कोई भी चीज़ गलत है, तो आप वहीं आप सबमिट करने से पहले चेकआउट कर दो और बता दो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने आपको बता दी। बाकी यार कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो मैं आपके लिए हेल्प करूँगा ज़रूर, जिस प्रकार यार मैंने इसके लिए हेल्प की, 3-4 घंटे मैंने इसके बैठ किए, फिर भी इसका रिजल्ट कोई नहीं निकला। लेकिन कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम आने वाली जो भर्ती है जयपुर की, उसमें आप 100% देना और नए से सिरे से शुरू करना, ठीक है। तो यही कहूँगा मैं आपको यार, देख मेरी तरफ से मैंने कोशिशें पूरी की है, बाकी यार और भी जो कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर करूँगा, या किसी और दोस्त को मैंने कॉन्टेक्ट किया है, यदि उसका भी कुछ रिप्लाई आएगा तो ज़रूर बता दूंगा मैं आपको। लेकिन यार अभी फिलहाल इसका अकाउंट ही डिसेबल कर दिया गया है, अकाउंट ही परमानेंट क्लोज कर दिया गया है, तो यार मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता।
गूगल की तरफ से भी मैंने जो टीम से कॉन्टेक्ट किया लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली कि जो रिकवर हो सकता है। उन्होंने सीधा यही कहा है कि परमानेंटली क्लोज हो चुका है और डिसेबल हो गया है, अब ये अकाउंट वापस नहीं मिल पाएगा, ये जीमेल आईडी वापस नहीं मिल पाएगी आपको। तो इसलिए हो सकता है जो इसका बायो कोई फ़ोन है या जिसकी जीमेल आईडी किसी दोस्त ने लॉगिन की होगी उसके बाद में जो उसने जाकर डिलीट कर दी, डिलीट का ऑप्शन पे जो परमानेंटली क्लोज कर दिया होगा। तो इसी दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, किसी दोस्त पर भरोसा मत करो, अपने आप पर भरोसा रखो, और दूसरी चीज़ अपने फ़ोन को अपने पर्सनल चीज़ों को किसी और दोस्त के साथ शेयर मत करो, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी थी हर दोस्त के लिए, और जो आने वाली सेना भर्तियों में ध्यान रखें कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हो, जब भी आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो उसमें सही से सबमिट करने से पहले चेकआउट कर दे कि जो जो आप जीमेल आईडी दे रहे हो, मोबाइल नंबर दे रहे हो, डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो, आपका जो 10वीं के मार्कशीट है या जो रोल नंबर दे रहे हो सही है या नहीं है, और अपने मम्मी पापा के जो नाम है, जो स्पेस जो भी है सही है या नहीं है, क्योंकि ऐसी गलतियाँ बाद में जाके जो आपको रिजेक्ट का सामना करना पड़ेगा, भर्ती से वंचित कर देगी। तो इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और जो बंदे स्पेशली 11 तारीख को शामिल हो रहे हैं सभी दोस्तों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग खुद करने वाला हूँ 11 तारीख को। तो आने वाले जो भी वीडियो हैं सभी को प्यार देना, सपोर्ट देना, और अभी आपका टाइमिंग क्या आ रहा है बता देना, और जो आपकी कोई भी दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और स्क्रीन पर जो चल रहे हैं इस पर आप डायरेक्ट मेरे कॉल कर सकते हो, बता सकते हो, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, इन्फॉर्म कर देना मुझे, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो सभी को मेरी तरफ से जो हिंद और वंदे मातरम।